बोल बेटी यार हर दाल वाले चावल बनाए जा रहे हैं। ये मेरी नंद जो है हर दाल बना रही है, हर दाल वाले चावल नहीं, हर वक्त मुझे चावलों का ख्याल रहता है। इनकी अपनी हर दाल है, ये हर दाल हमें खिलाएंगी आज। और ये देखें केले लगे हुए हैं, केलों के गुच्छे लगे हुए हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं नाजरीन। और ये जो है हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और हम कोल्ड ड्रिंक पी कर जाएंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। मुझे भी पिलाओगी? तो आपको तो पहले पिलाऊंगी, आप पी लें बस। नहीं पिला दो मुझे थोड़ी सी, ये दूसरे वाला तो कोल्ड ड्रिंक पी के हम जाएंगे घर की तरफ। हमने फरमाइश की है कि हमने हर दाल खाना है, हर दाल का सालन, तो वही बना रही है। आप लोगों ने खाने हैं तो आज हैं, बहुत मजेदार बने हुए हैं। खाओ सही टपाओ सही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से। तो आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों की खिदमत में। आप लोग देख रहे हैं इफ्रा फैमिली व्लॉग्स, मेरे चैनल का नाम है। और सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा, लाइक भी। तो फ्रेंड्स आज जो है मेरा व्लॉग जो हो चुका है शुरू। तो आज मैं आई हुई हूँ अपने नंद के घर, तो उनके जो हैं केले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उनकी ज़मीनें। आप लोग बताइएगा कैसे लगे हैं आप लोग, अगर आप लोगों को केले पसंद हैं तो मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं पहुँचा दूँगी आप लोगों के पास, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें केले का दरख्त, केले लगे हुए हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। वेच नहीं हो क्या इतना? तो ये देखें केले लगे हुए हैं माशाल्लाह से, केले के गुच्छे, और जब पक जाएंगे फिर आप लोगों के पास भेजूंगी मैं। और वो भी लगे हुए हैं, तो ये सारी ज़मीनें हैं इनकी, ये देखें सारी ज़मीनें इनकी, कमांड इन्होंने रहा है, तब इनका साथ आया हुआ है कुत्ता जो इनकी रखवाली करता है। और केले माशाल्लाह से मुझे पसंद है बहुत, केलों का दरख्त। तो अभी कुछ छोटे हैं, जब कुछ बड़े हो जाएंगे फिर इनको तोड़ के पाल दे के फिर खाएंगे मजे के। ये देखें परिंदों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, इसमें पानी भर के रखते हैं, और ये बोतल लगी हुई है, ये भी ये केले लगे हुए हैं। तो अभी जो है मेरी नंद जो है वो कोहल बना रही है, अभी कोहल जो है उबल रहे हैं, ये मसाला तैयार हो गया है, काट रही है। तो ये कोहल जो है वो चावल बनाए जा रहे हैं, ये मेरी और बनाएंगे फिर हर दाल बना रही है, हर दाल वाले चावल मजेदार सालन। आप लोगों को पसंद है फ्रेंड्स? मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसको रोटी के बगैर खाया जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि रोटी के बगैर ये मच्छ के साथ वो भी मज़ेदार, इतने टेस्टी लगते हैं कि बहुत ज़्यादा। ये उबल चुकी हैं, अब इसको धो के फिर मसाला भी बस तैयार है, उसमें ऐड कर देंगे। ये देखें साथ मसाला तैयार हो गया है, और ये जो है कोहल भी धो लिए हैं मेरी नंदू ने, तो अब इसको बनाएंगे फिर इसको खाएंगे मज़ेदार। देहात वाले तो इसको बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज्यादा, और मुझे पहले नहीं पसंद थे, लेकिन मैं जो अब शौक चुका से है, वो निकल नहीं रहा। बस बस
आग जो है बहुत मुश्किल से चल रही है। सर्दियों में शाम का टाइम देखें। हमने फरमाइश की है कि हमने हर दाल खाने हैं, हर दाल का सालन, तो वही बना रही है। खाली हर दाल हम खाएंगे, मजेदार खट्टा वाला भी आपके के बहुत पसंद है हमें। इनकी तो अपनी हर दाल है, ये इन्होंने खुद कूटी है सारी, ये उधर पड़ी हुई है सारी, ये भी अपने घर की हर दाल है। हम तो फ्राई में हर दाल कहते हैं, उबल कहते हैं इसको, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। हमारी जबान में इसको कुहल कहते हैं, लेकिन वैसे कुछ लोग इसको हर दाल बोलते हैं। कुछ जड्डे भी कच्चा पक्का जो है मसाला तैयार हो गया है, अभी हम हर दाल डाल रहे हैं। इसके चावल भी मज़ेदार बनते हैं। हर दाल वैसे ज़्यादा हो गई है, कुहल ज़्यादा। मुझे लगता है मसाला कम है और जो कुहल है वो ज़्यादा है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना, तो वो मसाला शायद हमसे कम बन गया है और हर दाल जो है वो ज्यादा है। मेरे को पहले कहना हम दी सारे काठिया मंडे नहीं हैं बैठी, मंडे नहीं हैं बैठी, तो वो तो सारा धुआं मच रहा ना। खुद की हर दाल है, इन्होंने खुद बनाई है, यही कूट के इन्होंने बनाई है, कुहल इन्होंने बनाए हैं मज़ेदार, जो भी हम बना रहे हैं। जैसे देहात में आप लोगों को पता है हर चीज़ का सीज़न होता है, हर चीज़ का मौसम होता है, तो भी हर दाल का जो है मौसम है सर्दियों में। चावल भी इनके मज़ेदार बनते हैं और मौसम देखें शाम का, खूबसूरत व्यू है, हल्की हल्की ठंड है, सर्दी है और मौसम देखें, हवा चली हुई है आज तो सारा दिन। ये कुहल जो है तैयार हो गए हैं मज़ेदार, हम खाएंगे इसको। आप लोग तो शायद रोटी के साथ खाते होंगे, लेकिन हमें रूखे अच्छे लगते हैं ये, और हम रूखे खाएंगे, देखें मज़ेदार यमी लग रहे हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। अरे आप लोगों ने खाने हैं तो आज हैं, बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। खाओ सही तो पाओ सही। अल्लाह माफ करे जो करे वदी ते करे वदी जब फसीज में ना आए। ना मां कड़ी पेंदा ये कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक भी पी के जाएंगे हम। वन हांगन हांगन
क्या है हाँ बड़ा शौकीन बोतल दागे दर्दो इधर दो ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं ठीक है बाय बाय कर दो बाय 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 बोलो बाय बाय करो बाय बाय ये लेकर जाएं हम हाथ से करो बोलो बाय बाय ठीक है बाय बाय इसने साथ भी दे दिया है हर दाल कि आप लोग घर जाके खाना ये बांध के रखा हुआ है इसने रूहान फकीर बना हुआ है रूहान क्या कर रहे हो इधर देखो रूहान रूहान क्या करें दावदी कुटोड़ा बोलते नहीं हो गंदा बच्चा है ये नहीं बोलता ये गूंगा है ये गूंगे हो ना अदई हाँ ये नहीं, नहीं बोलता ये गूंगा है नहीं हाँ ये गूंगा है देखें नहीं पापा का नाम क्या है रोहन तुम्हारे पापा बताओ ना खोल खोल के देख रहे कि मेरी माँ ने क्या किया इतना भूखा है कि जिसकी हद नहीं पापा जान क्या नाम है पापा जान पापा जान क्या नाम है बाबू पापा जान ये हम साथ लेकर जाएंगे एक्सक्यूज मी हमें दो वापिस हमारा डब्बा हमारे कुहल में दो तो भी जो है फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि शाम का टाइम हो गया हम सिर्फ हर दाल खाने आए थे हर दाल की हमारी दावत थी जो आप लोगों को दिखाया है तो भी हो रहा है शाम का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं घर देखें नाद का घर यही है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोगों ने मुझे तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह मैं कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़